बच्चों मैं सेक्शन डी का 35th नंबर क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है? 36 में क्या है? 36 में इंफॉर्मेशन क्या है? देखो अब पैरेललोग्राम एबीसीडी टू पॉइंट्स पी एंड क्यू आर ऑन डायगोनल बीडी सच दैट डीपी इज इक्वल टू बीक्यू सो दैट ट्रायंगल ए पी डी दैट इज दिस ट्रायंगल। ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के बारे में बोल रहा है और बोल रहा है इस ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल क्या इक्वल है क्या? सिमिलरिटीज प्रूफ करना है। तो अब देखो क्या करना है, सिमिलर ट्रायंगल प्रूफ करना ना। तो मैं अगर ये देखो पहले क्या है, एबीसीडी गिवन डाटा क्या है, गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम है, यानी कि इसमें क्या होगा, ए बी इज पैरेलल टू दिस वन एंड इक्वल्स भी होता है ना, क्या होगा इक्वल्स भी होगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी या सी डी, कुछ भी आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब ये इक्वल आ गया मेरे को प्रूफ क्या करना है, बेसिकली प्रूफ करना है ये ट्रायंगल सिमिलर टू ये ट्रायंगल, यानी कि ये ट्रायंगल सिमिलर है इस ट्रायंगल का। तो जब पैरेललोग्राम है बच्चों, बताओ पैरेललोग्राम है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड अदर्स इंफॉर्मेशन क्या बोल सकता हूँ, ए डी इज इक्वल टू बी सी। ओके पैरेललोग्राम है ना, तो दोनों इक्वल्स है। तो बच्चों एक ये प्रूफ हो गया। अब यानी कि पैरेललोग्राम है तो ये बता सकते हो क्या, ये एंगल कौन सा एंगल बच्चों, ये एंगल दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल कौन सा एंगल, ये एंगल, ये दोनों क्या होगा आपस में इक्वल होगा, क्या होगा आपस में इक्वल होगा, यानी कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। तो बोल सकता हूँ क्या, एंगल डी पी या एंगल क्यू बी सी इज इक्वल टू एंगल पी डी ए, ये दोनों इक्वल होगा। पहला ये हो गया फर्स्ट, सेकंड क्या हो गया इंफॉर्मेशन, ये थर्ड इंफॉर्मेशन तो क्या गिवन है मेरा, डीपी इज इक्वल टू बी क्यू दैट इज डीपी इज इक्वल टू बी क्यू। तो ये क्या हो गया मेरा थर्ड इंफॉर्मेशन। जब तीनों इंफॉर्मेशन दिया हुआ है तो यहां से मैं बोल सकता हूँ क्या, ये जब इंफॉर्मेशन यूज करके बोल सकता हूँ ट्रायंगल ए पी डी सिमिलर टू ट्रायंगल सी क्यू बी बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ साइड एंगल साइड दैट इज एस ए एस ऑफ ट्रायंगल प्रॉपर्टी। ओके ठीक है बच्चों, तो यानी कि ये पहला इंफॉर्मेशन ए मेरा प्रूफ हो गया। ए के बाद देखो बी में क्वेश्चन में क्या है, प्रूफ दैट बी क्या है, ए प्रूफ हो गया है, बी मेरा क्वेश्चन क्या है, बी मेरा क्या है, बी में इंफॉर्मेशन है प्रूफ दैट बी क्या है, एपी इज इक्वल टू सी क्यू, एपी को प्रूफ करना है सीपी के बराबर, यानी कि दिस एपी इज इक्वल टू प्रूफ करना है सीपी के बराबर। तो बच्चों अभी मैं क्या बोला था, ट्रायंगल प्रूफ किया था, ट्रायंगल ए फर्स्ट में क्या प्रूफ किया था, ए में वी हैव प्रूफ दैट ट्रायंगल ए पी डी सिमिलर टू ट्रायंगल सी क्यू बी, यानी कि देखो अगर इसमें देखो तो क्या होगा, एपी इज इक्वल टू सी क्यू, अगेन पीडी इज इक्वल टू क्यू बी, क्योंकि देखो ये ट्रायंगल प्रूफ कर रहे हो, ये ट्रायंगल सिमिलर टू दिस ट्रायंगल ना, तो जब ये दोनों ट्रायंगल्स प्रूफ कर रहे हो सिमिलरिटीज प्रॉपर्टीज से, तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे, क्या बोलोगे कि अब प्रूफ करना है दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, तो सिमिलर ट्रायंगल है ना, तो एपी इज इक्वल टू क्या हो गया, दिस एपी इज इक्वल टू सी क्यू। ओके क्यों, क्योंकि है ना ये क्या है सिमिलर ट्रायंगल, तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल वी कैन मेक द कमेंट, वी कैन प्रूव दैट दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। ओके तो यानी कि सेकंड वाला भी प्रूफ हो गया, क्योंकि ये क्या है सिमिलर ट्रायंगल है, सी पोर्शन देखो इसका, सी क्या है प्रूफ है, वी हैव टू प्रूफ दैट ट्रायंगल ए क्यू बी सिमिलर टू ट्रायंगल सी पी डी, ये प्रूफ करना है क्या, ये वाला प्रूफ करना है क्या,
ट्रायंगल एक्यूबी सिमिलर टू ट्रायंगल सीपीडी। तो ये देखो एक्यूबी कहाँ होगा, ये रहा ए क्यू बी, ये ट्रायंगल प्रूव करना है सिमिलरिटीज से, और कौन सा ट्रायंगल है सी पी डी। तो बच्चों बताओ अगर मैं ये ट्रायंगल लू तो इसमें क्या अगर इन्फॉर्मेशन है, देखो ए बी सी डी क्या था इन्फॉर्मेशन, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, तो मैं बोल सकता हूँ क्या ए बी इज इक्वल टू, ए बी इज इक्वल टू सी डी, सी डी क्योंकि पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी से लगाया। अभी इन्फॉर्मेशन और क्या दिया हुआ था, इन्फॉर्मेशन और क्या था पैरेललोग्राम है ना, तो यानी कि दिस एंगल इज इक्वल टू, दिस एंगल बोल सकता हूँ क्या, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, तो यानी कि बोल सकता हूँ क्या बच्चों एंगल एंगल ए बी क्यू इज इक्वल टू एंगल सी डी पी, बोल सकता हूँ ना। जब ये आ गया पहला, ये प्रॉपर्टीज हो गया, सेकंड ये हो गया, एंड थर्ड वन क्या है मेरा, इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था बी क्यू इज इक्वल टू, बी क्यू इज इक्वल टू पी डी पी, तो ये थर्ड आ गया। तो फिर सिमिलरली क्या है, बाय प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल दैट इज एस ए एस प्रॉपर्टी से, देखो साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से मैं बोल सकता हूं क्या, ट्रायंगल ए क्यू बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी पी डी, और यही प्रूफ करना था ना, तो हेंस प्रूफ्ड। ओके बच्चों, ये आपका सी हो गया। डी ऑप्शन देखो क्या है, डी ऑप्शन में क्या था, डी ऑप्शन में जब ए क्यू इज इक्वल टू सीपी प्रूफ करना था, दैट इज ए क्यू ए इज इक्वल टू दिस वन प्रूफ करना था। तो बच्चों अभी मैं क्या बोलता था, सिमिलरिटीज प्रॉपर्टीज यूज किया था क्या, ए क्यू बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी पी डी, ये दोनों इक्वल्स थे ना, जब ये दोनों इक्वल्स हुए बच्चों, जब ये दोनों इक्वल्स हुआ तो यहां से मैं कमेंट बना सकता हूँ क्या, ये ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल सिमिलर है ना, तो इसका क्या होगा, अपोजिट साइड का रेशियोज भी इक्वल्स होंगे, यानी कि ए क्यू इज इक्वल टू सी पी बोल सकता है, बिकॉज दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। इसका रीजन क्या हो गया, बिकॉज वी हैव प्रूव दैट बिकॉज ट्रायंगल ए क्यू बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी पी डी। ओके, ये मेरा प्रूफ हो गया, तो ये डी हो गया। अब बच्चों प्रूफ क्या करना है, ई प्रूफ करना है क्या, ई में क्या है, प्रूफ दैट ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम, प्रूफ करना है दिस ट्रायंगल ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। तो बच्चों अभी वी हैव प्रूव्ड दैट ए क्यू इज इक्वल टू पी सी, पहला प्रूफ हो गया था क्या, और सेकंड क्या प्रूफ कर दिया था, ए पी इज इक्वल टू सी क्यू, सेकंड जब प्रूफ हुआ था तो इन दोनों का यूज करके मैं बोल सकता हूँ क्या, क्या बोल सकता हूँ बच्चों, क्या बोल सकता हूँ, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो देखो ये आपस में इक्वल्स है ना, ये क्या हो गया एक पैरेललोग्राम, अगर ए बी सी क्यू कंसीडर करो, ए पी सी क्यू, तो देखो इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल है ना, ये और ये दैट दिस टू आर अपोजिट साइड्स, तो यहां से बोल सकते हो क्या, दिस इज ए पी सी, ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम, हेंस ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। ओके, ठीक है बच्चों, तो ये आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 36 हो गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 37 डिस्कस करता हूं। क्वेश्चन नंबर 37 आपके 9th के बुक का स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 देखो,
क्या है, टू सर्कल्स ऑफ रेडियस रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन and the distance between there centers is 4 centimeter. Find the length of common chord. टू सर्कल्स गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, दिस टू सर्कल्स हैविंग द रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर. तो एक है ना सर्कल ऐसा हो गया, इट हैज, इसको मैं इधर ड्रॉ करता हूं, ये देखो ये क्या है 5 सेंटीमीटर, और बोल रहा है एक अनदर सर्कल उसका रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर, कितना है 3 सेंटीमीटर, यानी कि जो ये रेडियस होगा इसका 3 सेंटीमीटर हो, यहां से क्या हो गया डिस्टेंस, ये 5 सेंटीमीटर हो गया. ठीक, अब बच्चों ये बोल रहा है ना कि एक अनदर सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है और उस सेंटर से दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर, यानी कि बच्चों यहां से अगर मैं सर्कल ड्रॉ करूंगा तो यहाँ पे कोई एक अराउंड 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होगा ना, और यहीं पे कोई एक सर्कल है जिसका क्या है रेडियस 3 सेंटीमीटर, यानी कुछ ऐसा है ना, मेरे को डायग्राम आएगा क्या, कुछ ऐसा डायग्राम आया. अब प्रूफ करना है ये, यानी कि क्या हो गया, ये आपका सेंटर हो गया, ये बड़े वाले का O, इसको ले लेते O डैश, ओके, और ये डिस्टेंस आपको क्या है, ये बेसिकली क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 5 सेंटीमीटर ना, और ये डिस्टेंस आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो इसको अगर मैं पॉइंट A लेता हूँ, इसको A लेता हूँ, इसको B लेता हूँ और इसको C लेता हूँ. ठीक, तो और ये इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है, ये क्या है आपका 5 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर इन्फॉर्मेशन. 5 सेंटीमीटर में क्यों लिया, क्योंकि इट इज द रेडियस ऑफ बिगर सर्कल, तो रेडियस ऑफ बिगर सर्कल क्या हो गया बच्चों 5 सेंटीमीटर. तो इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड ए सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. देखो क्योंकि 4 सेंटीमीटर क्या है, बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन टू, डिस्टेंस बिटवीन टू टू सर्कल्स सेंटर, ओके, सेंटर ऑफ टू सर्कल्स, तो ये 4 सेंटीमीटर हुआ. तो बच्चों अब बताओ यहाँ से ए बी क्या हो जाएगा, कॉर्ड क्या होगा, कॉर्ड आपका बेसिकली यही कॉर्ड होगा ना, कॉर्ड क्या होगा, यही वाला कॉर्ड होगा ना, जो कि कॉर्ड कहाँ से पास करेगा, बिल्कुल सेंटर से पास कर रहा है. क्यों कर रहा है बच्चों, क्योंकि ये 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है और ये 3 सेंटीमीटर का कॉर्ड, देखो पास सेंटर से क्यों करेगा. अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं बीसी वैल्यू निकालता हूँ, बीसी इज इक्वल टू क्या है, अभी अननोन है, मेरे को मालूम नहीं है, नहीं मालूम है तो मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करूंगा, क्या पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहा मैं, थ्योरम जब यूज करूंगा पाइथागोरस थ्योरम, तो बच्चों बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 25 माइनस 16, दैट इज 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि BC इज इक्वल टू कितना आएगा 3 सेंटीमीटर, यानी कि बच्चों ये जो BC जो डिस्टेंस है, ये BC जो डिस्टेंस है, कौन सा BC डिस्टेंस, ये वाला, ये कितना वैल्यू आ गया, ये वैल्यू आ गया 3 सेंटीमीटर. तो बच्चों ये देखो ना, ये अभी सेंटर ऑफ द सर्कल था क्या, और सेंटर ऑफ द सर्कल ये क्या है, सेकंड वाले का, ये इसका सेकंड सर्कल है और ये फर्स्ट सर्कल है, फर्स्ट सर्कल,
और ये कैसा है सेकेंड सर्कल। तो बच्चों फर्स्ट सर्कल का क्या है रेडियस 5 सेंटीमीटर, सेकेंड का क्या है 3 सेंटीमीटर। तो ये बताओ बच्चों ये क्या है डिस्टेंस यहाँ से 3 सेंटीमीटर है ना, तो यानी कि ये 3 सेंटीमीटर क्या है क्या है ये सर्कल किस रेडियस किसका है सेकेंड सर्कल का, यानी कि ये जो 3 सेंटीमीटर है ना यानी कि कोई जो कॉर्ड होगा इस बिल्कुल है ना सेंटर से पास होगा, और कैसे पास होगा कुछ ऐसा पास होगा यानी कि ये एक कॉर्ड हुआ जो कि मेरे को लेंथ बनाना है। तो ये अब इस पॉइंट को मैं डी ले लेता हूँ। तो अब बताओ लेंथ ऑफ कॉर्ड क्या आएगा, लेंथ ऑफ कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड क्या आएगा बच्चों, लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड इज बेसिकली इज इक्वल टू कॉर्ड इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ बीसी, दैट इज आपका बेसिकली क्या है यहाँ पे डीसी, और डीसी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ बीसी यहाँ से क्या निकालते हैं बीसी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो वैल्यू रख दोगे बीसी का यहाँ पे तो क्या वैल्यू आ जाएगा 2 × 3 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो अब अपना क्या हो गया क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन पूछा था फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। तो लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड क्या हो जाएगा बच्चों, लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, दैट इज कॉमन कॉर्ड कौन सा यहाँ पे हो गया 6 सेंटीमीटर। बेसिकली बी डी इज अ कॉमन कॉर्ड, ये क्या है बी डी इज अ कॉमन कॉर्ड इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ओके तो ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 37 के बाद देखो उसमें एक और भी क्वेश्चन करके दिया हुआ है तो उसको मैं भी डिस्कस कर रहा। 37 में देखो एक और क्वेश्चन में है, और में क्या है सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस। देखो 37 का और पोर्शन है, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस ट्वेंटी मीटर इज सिचुएटेड सिचुएटेड इन अ कॉलोनी, इन अ कॉलोनी फिर क्या आएगा देयर आर थ्री बॉयज यानी कि थ्री बॉयज अंकुर सायद एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस on its boundary each having a toy telephone in his hand, toy telephone in his hands to talk each other. Find the length of each phone.
बच्चों ट्राई करो थोड़ा जल्दी से। देखो अगर बच्चों मैं कुछ बोलूं तो ये क्या है, सर्कुलर एक आपका क्या है, सर्कुलर ज्योमेट्री है कुछ ऐसा। और बोल रहा है तीन बच्चे हैं, अंकुर, सायर एंड डेविड। अंकुर तो अंकुर को यहाँ पे बैठा दो, अंकुर यहाँ बैठा हुआ है, सायर यहाँ पे बैठा हुआ है और डेविड यहाँ पे है। ओके, अब ये तीनों बच्चे हैं, तीनों बच्चे आपस में एक फोन लेके कनेक्टेड है। कैसा फोन है? वो टॉय फोन है ना, उससे कनेक्टेड है और वो बिल्कुल ट्रांसमिशन हो रहा है कोई वायर के थ्रू। ओके, स्ट्रिंग के थ्रू। तो स्ट्रिंग का ना लेंथ बताना है कि क्या होगा। तो एक बच्चे इसके पास मोबाइल है, एक बार इसके पास टेलीफोन है, एक इसके पास टेलीफोन है। तो ये तीनों टेलीफोन का, तो यानी कि तीनों टेलीफोन का कनेक्शन कुछ ऐसा होगा क्या? क्यों ऐसा होगा? क्योंकि वो आपस में सेम डिस्टेंस पे, यानी कि ये डिस्टेंस इज इक्वल टू ये डिस्टेंस इज इक्वल टू ये। अगर मैं इसको ए बी और इसको सी बोल दूं तो क्या बोल सकता हूं? ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके बच्चों, जब इक्विलेटरल ट्रायंगल आप बोल रहे हो तो यहां से एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल, यहां से यानी कि डिस्टेंस सबका इक्वल होगा। तो फॉर एग्जांपल मैं इसका भी डिस्टेंस लेता हूं, डिस्टेंस लेता हूं इसका 2x, 2x में क्यों लेना बताऊंगा। ठीक, इसका भी तो क्या हो जाएगा 2x, फिर इसका क्या हो जाएगा अगेन 2x, यानी कि तीनों का क्या हो गया साइड्स लेंथ इज इक्वल टू 2x। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस लेंथ को बताओ, 2x का लेंथ बताना है। ओके, 2x का लेंथ बताना बच्चों। तो देखो पहले है ना बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बस यहाँ पे दिया हुआ है कि रेडियस ऑफ द पार्क कितना है, रेडियस ऑफ द पार्क कितना है 20 क्या है 20 मीटर, यानी कि ये कितना है 20 मीटर, ये डिस्टेंस कितना है 20 मीटर। अब बच्चों यहाँ से ये बस ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ, इतना इन्फॉर्मेशन के बाद वो पूछ रहा है कि फाइंड आउट द क्या इन्फॉर्मेशन है, फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। ठीक बच्चों, तो ये 20 मीटर आ गया ना, तो यानी कि ये भी क्या होगा 20 मीटर होगा, ये भी क्या होगा 20 मीटर होगा। ठीक, तो मालूम है क्या कि मीडियन ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल डिवाइड्स द साइड इन टू इक्वल रेशियो फॉर द इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर यहाँ से एक मीडियन में ड्रॉ करूं, ये मीडियन ड्रॉ करूं तो ये क्या आ जाएगा मेरा, और इसको मैं ओ ले लेता हूँ, क्या लेता हूँ जीरो, ओ से मैं रिप्रेजेंट किया, और इसको एक रिप्रेजेंट कर दो एम से रिप्रेजेंट कर दो, कुछ भी आप लिख सकते हो, नेम दे सकते हो। ये वर्टेक्स क्या है ए, ये कैसा है बी, ये कैसा है सी, इसको मैं सेंटर को रिप्रेजेंट कर दिया, किसका सर्कल के सेंटर को।